हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलम मी ब्यूटीफुल। तो आज हम बात करने वाले हैं मामा अर्थ की ग्लो फुल कवरेज कॉम्पैक्ट के बारे में। मामा अर्थ में ऑलरेडी एक ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट अवेलेबल है। अभी इनका जो रीसेंट लॉन्च है वो है ग्लो फुल कवरेज कॉम्पैक्ट विद विटामिन सी एंड टर्मरिक। आप देख सकते हैं इसका पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा क्यूट और सिंपल है। एंड ये है इसका डिटेल, मामा अर्थ ग्लो फुल कवरेज कॉम्पैक्ट विद विटामिन सी एंड टर्मरिक विद SPF 30 PA++ 3 times instant glow, made safe and 16 hours long stay product है ये। ये product हमें 16 hours sweat resistant देता है, dermatologically tested है और 16 hours oil control भी देता है। Vitamin C से आपकी skin bright होगी, turmeric से आपकी skin को antioxidant protection मिलेगा जो कि skin के लिए काफ़ी benefit करता है। इस product की testing काफ़ी अच्छे से हुई हुई है काफ़ी सारे subjects पर। ये प्रोडक्ट आपको 9 grams 599 में अवेलेबल है और आप इसे 30 months तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। 30 months से मेरा मतलब है 2.5 years तक आप इसे रख सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ है। एंड आप इसका पैकेजिंग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कॉम्पैक्ट है। इसमें एक मिरर भी अवेलेबल है और आप इसका एक फ्लैप ओपन करेंगे नीचे तो आपको इसका स्पॉन्ज भी दिख जाएगा जो आपको आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपना कॉम्पैक्ट। एप्लीकेटर भी इसका कंफर्टेबल है। इसमें है टोटल 5 shades, तो हम अब सारे ही स्वाचेस देख लेंगे। ये है 01 पर्ल ग्लो। पर्ल ग्लो एक फेयर स्किन टोन का शेड है। 02 आइवरी ग्लो। आइवरी ग्लो भी फेयर स्किन टोन को सूट करेगा। 03 क्रीम ग्लो एक येलो अंडरटोन का शेड है, आप देख सकते हैं। ये मीडियम टू फेयर स्किन को बहुत आराम से सूट कर जाएगा। 04 नेचुरल ग्लो, ये भी येलोइश अंडरटोन पे शेड है बट इसमें हल्का सा ऑरेंजिश टिंट सा आ रहा है एंड आई थिंक ये डस्की टू मीडियम स्किन टोन को बहुत आराम से चल जाएगा। 05 डेफिनेटली एक डस्की स्किन टोन के लिए परफेक्ट यू नो कॉम्पैक्ट है, ये डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा शेड है। हम यही स्वॉचेस अपने फेस पर भी अप्लाई करते हैं ताकि आपको एक डेफिनेटली क्लियर व्यू मिले। 01 जो है वो फेयर टू फेयर लाइट स्किन टोन के लिए है बट इसका जो अंडरटोन है वो बहुत ज़्यादा येलो पे नहीं है, थोड़ा येलोइश पर है। 02 जो है वो डेफिनेटली एक थोड़ा पिंकिश अंडरटोन पे है। सो अगर मैं यूज़ करूँगी इन दोनों में से तो मैं 01 यूज़ करूँगी। 03 क्रीम ग्लो जो है वो डेफिनेटली एक यू नो येलो अंडरटोन पे शेड है एंड यू नो अच्छा ब्राइट है जो कि मेरे स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। एंड जो क्रीम ग्लो फाउंडेशन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है तो मैं फर्स्ट और थर्ड यूज़ कर सकती हूँ। एंड 04 जो है वो शेड आप देख सकते हैं मीडियम एंड डस्की स्किन टोन वाले अपने कलर के हिसाब से ले सकते हैं। एंड जो सेकंड शेड था इनका ये भी काफ़ी हद तक मीडियम स्किन टोन को वो भी चल जाएगा क्योंकि उसका भी अंडरटोन थोड़ा डिफरेंट है, येलो पे नहीं है। तो होपफुली यहाँ पे आपको चारों ही शेड्स क्लियरली दिख रहे हैं। जो 05 शेड है ये डेफिनेटली एक डस्की स्किन टोन को बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट करेगा एंड डस्की टू मीडियम जो होता है मीडियम से थोड़ा पहले वाले शेड्स उनको ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। मेरे फेस पर ये बिल्कुल लॉस्ट सा हो जा रहा है तो मैं इसे आपको हाथ पर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एप्लीकेशन की बात करूँ तो पाउडर काफ़ी इसका स्मूथ है एंड अप्लाई बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जा रहा है स्किन पर। एंड ये वाला शेड आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ट्रिकी है बट हाँ डेफिनेटली ये डस्की काफ़ी यू नो चॉकलेट डस्की स्किन टोन वालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा ये वाला शेड। कॉम्पैक्ट का टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्मूथ है, इजी अप्लाई हो जाता है एंड शेड्स की वैरायटी भी आप देखें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। 5 shades हैं पर पांचों भी बहुत ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट हैं एंड आई थिंक हर यू नो स्किन टोन वालों को अपना एक शेड ज़रूर यहाँ से मिल जाएगा। एंड अब देख सकते हैं मेरा जो शेड है वो आई थिंक मैं 03 एंड 04 या 01 में से यूज़ कर सकती हूँ कोई भी। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैंने ग्लो सीरम फाउंडेशन यूज़ कर लिया है 01 अपने फेस पर।
मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है फाउंडेशन को, और आप देख सकते हैं फिर भी मेरे फेस पर थोड़े से मार्क्स विजिबल है क्योंकि मैंने बहुत हाई कवरेज कंसीलर यूज़ नहीं किया है। मैं डेफिनेटली कंसीलर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है, और ये मैंने कॉम्पैक्ट ले लिया है 03 क्रीम ग्लो। तो जैसे कि ये फुल कवरेज कॉम्पैक्ट है, लेट्स ट्राई, तो देखती हूँ कि ये कितना कवर कर रहा है। एंड आप मेरी स्माइल देख के समझ ही गए होंगे कि डेफिनेटली ये कवर कर रहा है एट वन स्ट्रोक ऑल्सो। ये काफ़ी अच्छा कवरेज दे रहा है और मेरे जो भी मार्क्स थे वो विजिबल नहीं है। एंड एक और चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉम्पैक्ट्स में कि वो बहुत ज़्यादा पैची से लगते हैं, बट ये ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो जल्दी जल्दी इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। एंड वाओ, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा इसका ओवरऑल लुक आया है। एंड यू नो, एक स्मूथ सी फिनिश्ड एंड इवन टोन पूरे फेस पे, इवन टोन, एंड मेरे जो बचे हुए स्पॉट्स थे वो भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं हैं। और एक बात बता दूँ, ये बिल्कुल भी पेड वीडियो नहीं है, पेड स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के बारे में और ये मैंने परचेज़ किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा स्पॉट था वो काफ़ी हद तक यू नो इनविजिबल सा हो गया है। एंड इस कॉम्पैक्ट को मैं अगर कहूँ तो मुझे लग रहा है एक बेस सा क्रिएट हो गया है यहाँ यू नो पूरे फेस पर। जैसे हम हैवी मेकअप वगैरह करते हैं तो हैवी फाउंडेशंस यूज़ करते हैं शादियों में एंड वेडिंग पर्पज़, उसके लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है। तो फ्रेंड्स, जैसे मेरी स्किन ऑयली है और यू नो काफ़ी यू नो स्वेटिंग होती है मुझे, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड यूजुअली मेरे फेस पर हमेशा ही स्पॉट्स होते ही हैं, तो अगर मुझे जैसे पार्टीज़ में जाना है, वेडिंग्स में जाना है, आप लोगों को भी अगर वेडिंग्स में जाना है, पार्टीज़ में जाना है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है, कवरेज भी अच्छा देता है। इवन अगर आप वर्किंग है, लाइक अगर आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो आई थिंक आपका जस्ट बीबी क्रीम एंड ये कॉम्पैक्ट इनफ होना चाहिए आपके लिए। एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक मेरा बेस क्रिएट हुआ है, बिल्कुल फ्लॉलेस लुकिंग। एंड यू नो ये 16 आवर्स स्वेट रेजिस्टेंट भी है, तो अगर हमें स्वेटिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली हमारा मेकअप जो भी है वो इंटैक्ट रहेगा। एंड ऑल्सो ये ऑयल को भी कंट्रोल करता है, तो जैसे अगर अभी हमारी ऑयली स्किन है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अगर जैसे मेरी ऑयली स्किन है मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्वेटिंग की, लाइक थोड़ी ही देर में मेरा सारा मेकअप चला जाता है इधर उधर एंड बहुत ऑयली सा लगता है। और अभी जैसे ये फ्रेश लुकिंग फेस लग रहा है, अभी मैं कहीं से भी जाकर आती हूँ तो बिल्कुल ऐसे यू नो पूरा बेस ही चला जाता है उसका। या तो फिर आप मेकअप फिक्सर यूज़ करें एंड ऑल, जो कि मैं प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज़ उससे मुझे मेरे पोर्स ब्लॉक होते हैं, देन मुझे और पिंपल्स आते हैं, तो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो इस वजह से आई थिंक अगर कुछ ऐसा कॉम्पैक्ट है और ये कैरी करने के लिए भी बहुत इजी है, लाइक आप अपने पर्स में आराम से इसे रख सकते हैं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, इसमें विटामिन सी भी है जो स्किन को ब्राइट करेगा, तो डेफिनेटली आप अपना बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। बस हल्का सा आपको टिंट लगाना है और यू नो आपका पूरा फेस और मेकअप रेडी है। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता आप बिल्कुल भी रिग्रेट करेंगे ये वाला कॉम्पैक्ट बाय करना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी गुड एंड प्राइस रेंज भी अच्छा है। लाइक जो भी इसका ओरिजिनल प्राइस है 599, उसमें आप कूपन कोड लगा सकते हैं, जो कूपन कोड लगाइए तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्राइस रेंज मिल जाता है, लाइक 500 के अंदर ही आता है। बट ऐसा एक कॉम्पैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपका जो मेकअप है वो इंटैक्ट नहीं रहता है। आप देख सकते हैं मेरा पूरा एक बेस जो है बिल्कुल एक फ्लॉलेस सब बेस आ गया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड यू नो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जो कॉम्पैक्ट लगाया है वो बहुत पैची लगता है एंड एक जैसा कवरेज नहीं देता है, इसमें वो वैसी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। तो डेफिनेटली आप अपना कलर चूज़ कर सकते हैं, 5 कलर्स है और वो भी काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इस बार। इस बार मुझे लगता है ममाअर्थ में जो वैरायटी है वो काफ़ी अच्छी दी है इन्होंने, 5 शेड्स इंडियन स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करेंगे, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं इसमें से। 10-12 आवर्स तक तो मुझे बिल्कुल भी फेस पर ऑयलीनेस पता नहीं चला इसे लगाने के बाद, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्किन ऑयली होना शुरू हो गया, जो कि एक नॉर्मल बात है। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।